हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप सो एवरीवन इज डूइंग वेल एंड फाइन। तो आज हम लोग आए हुए हैं स्टोनर कैफ़े, एंड ये अभी न्यू खुला है। वैसे मैं स्टोनर नहीं हूँ, इस कैफ़े का नाम स्टोनर है। तो ये अभी न्यू खुला हुआ है यहाँ पे, एंड इसका व्लॉग आपको कहीं देखने को मिला नहीं होगा। तो हम सोचे क्यों ना हम अपने चैनल पर ही सबसे पहले इसका व्लॉग लाएँ और आप लोगों को दिखाएँ। तो चलते हैं हम लोग अंदर, पहले इसका एम्बियंस दिखाते हैं, फिर कुछ यहाँ पर फूड टेस्ट करते हैं। मेरे साथ है छोडू। हेलो गाइस। तो चलो छोडू के साथ चलते हैं नीचे, एंड जो भी होता है आप लोगों को बताते हैं। स्टे ट्यून रहिए, पूरा वीडियो देखिए। सो वी हैव ऑर्डर्ड अ ब्लैक बन बर्गर, जो कि भागलपुर में आई थिंक सिर्फ यही मिलता है, एंड एक वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किए हैं। तो वो थोड़ी देर में बनता है, तब तक आप लोग यहाँ के जो भी सिनेमैटिक शॉट्स हैं उन सब का थोड़ा आनंद लीजिए, एंड यहाँ का जो एम्बियंस है, यहाँ का जो वाइब है, उसका थोड़ा आनंद लीजिए। तो अगर मैं यहाँ के प्राइसेस की बात करूँ तो प्राइस जगह के हिसाब से ठीक है, बट स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी जो हम लोग बर्गर ऑर्डर किए हैं वो 190 का है, एंड ब्लैक बन बर्गर है, एंड जो हम लोग वाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किए हैं उसका प्राइस 239 है, यानी 240 रुपीज़। तो आप लोग जज कीजिए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी हम ट्राई करने वाले हैं ये ब्लैक बन बर्गर, जो कि कुछ डिफरेंट है, एंड देखते हैं इसका टेस्ट क्या होता है। वो चीज़ ये पूरा टोमेटो सॉस किधर से खाएं। अगर मैं बर्गर की बात करूं तो बर्गर मुझे बहुत अच्छा लगा था, एंड उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। स्पेशली बन जो था उसका टेस्ट आ रहा था, बहुत ही सही टेस्ट आ रहा था। आप लोग भी जाके ट्राई कर सकते हो, यहाँ जाओ
एंड थोड़ा महंगा है, बट ठीक है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। क्वालिटी है एंड क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाने का ज़रूरत है, एंड बाद बाकी बहुत सही है, एम्बियंस बहुत सही है, वाइब बहुत सही है।